जय हिंद दोस्तों। हर शिक्षक या फिर मैं कहूं पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा टॉपर बन जाए, और यही समस्या आप में से मैक्सिमम टीचर्स पूछते हैं कि मैम हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत लगन से एकदम कर्मठ शिक्षक की तरह लगे रहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने में, बट क्या करें कि हमारा बच्चा टॉपर बन जाए। एज अ पेरेंट्स भी आप चाहते हैं कि दिन रात हमारा बच्चा पे हमारे फोकस रहता है, बट हमारा बच्चा सारी दुनिया की भीड़ को पछाड़ते हुए एकदम नंबर जो है उसका अव्वल नंबर के दर्जे का बच्चा हमारा हो जाए, ऐसा क्या करें। तो आज की वीडियो में ना ऐसी ही कुछ टिप्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से किन चीजों को हम ध्यान में रखें तो वाकई में हमारा बच्चा जो है ना वो एक चमकता हुआ सितारा जो है वो बन जाएगा। देखिए पेरेंट्स और टीचर्स, आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब भी आप बच्चे के ऊपर उसकी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो काम करिए उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, उसके पूर्ण विकास के ऊपर। अगर हम ये कहें कि बच्चे को ओवर पॉम्पर्ड और ओवर बर्डन हम करते हैं कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, आपका फोकस एक कहते ना यहाँ पे घोड़े के नाल लगा देते हैं कि आपको इधर और इधर कुछ नहीं देखना, आपको सामने देखना है सड़क पे जिससे वो इधर उधर ना भागे, तो हम बच्चे को सिर्फ किताबों में घुसा देते हैं और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनसे उनका पत्ता कट कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती जो है वो पेरेंट्स और टीचर कर बैठते हैं। अगर हम बच्चे की हॉबीज, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसके कहते हैं ना ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक्चुअल में जब आपका बच्चा टॉपर बनता है अपनी खुद की लाइफ में भी और फ्यूचर में जब सामाजिक जीवन वो जिएगा ना वहां पर भी, तो ऐसे में भाई मैं जरूर कहूंगी आप लोग बच्चे की हॉबी क्लासेस के ऊपर काम करिए। अब इसमें बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर कहते हैं कि मैम बहुत महंगी होती है हॉबी क्लासेस, या कहां से कराएं, बच्चे को फिर बाहर भेजना हमें सेफ नहीं लगता। तो आज की डेट में इतने एप्लीकेशंस और इतने यूजफुल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप अपने बच्चों को घर पे बैठे हुए सारी जो हॉबीज और उनके इंटरेस्ट हैं वो सिखा सकते हैं। ऐसा एक बेहतरीन एप्लीकेशन है येलो क्लासेस। येलो क्लासेस पे आप मोर देन 30 हॉबीज, डांस क्लास है, म्यूजिक है, कुछ भी बच्चा सीखना चाहता है जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो यहां पर बच्चा सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टोटली फ्री है, आपको कुछ नहीं करना। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का दे रखा है, आपको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने बच्चे का, और जितनी भी यहां पर हॉबी क्लासेस हैं वो अपने बच्चे को कराइए जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बच्चे का जब इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, वो क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि येलो क्लासेस पे यहाँ पे जो एकदम एक्सपर्ट्स और जो मेंटर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को क्लासेस देते हैं। और ऐसा नहीं है टाइम टाइम पर कि आपको बच्चा सीख रहा है, कोई असेसमेंट नहीं हो रहा, कोई इवेल्युएशन नहीं हो रहा। टाइम टाइम पर यहां पर कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहां पर कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, और विनर्स को ये लोग एप्पल आईपैड और तमाम ऐसे गैजेट्स देते हैं जो वाकई में बच्चा चाहता है। देखिए हमारे और आपके बच्चे डेफिनेटली गैजेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली इन गैजेट्स के साथ उन्हें टाइम बिताना पसंद होता है, बट ये हम पे डिपेंड करता है एज अ पेरेंट एज अ टीचर कि हम उनके आइडियाज को उनके थॉट्स को किस तरीके से मोल्ड करें और सही डायरेक्शन में प्रेजेंट करें जिससे वाकई में हमारे बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम परिकल्पना करके सोचते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में भैया साइंटिस्ट बने, कैसे बनेगा। आप ये मान के चलिए एक पौधा है जिस पौधे को आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने आज पौधा लगाया है और 6 महीने बाद ये जो है मुझे फल देगा ही देगा, हर कीमत पे ये मुझे फल देगा, मैं तो सुबह शाम जो है इसे पानी दूंगा। ऐसी सिचुएशन में उस पौधे को आप इतना पानी दे देते हो कि वो उसकी जो जड़ें होती हैं वो गलनी और सड़नी शुरू हो जाती है। और 6 महीने, अरे वो पनपेगा, बड़ा होगा, शायद उसकी जो लिमिट है वो 6 साल में मतलब फल देने की है, तो आपको 6 महीने में फल कैसे दे देगा वो। आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो उस पौधे की जान से हाथ गवा देंगे, मतलब वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो यही हम बच्चों के साथ कर बैठते हैं कि इतना ओवरबर्डन, इतना पैम्पर्ड कर देते हैं उन्हें कि एक्चुअल में जो उनकी ग्रोथ है, जिस स्टेज से उन्हें सीख रहे हैं वो सब चीजें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और जो आउटपुट एक्चुअल में हमें बच्चे से चाहिए होता है ना, उसका 40% भी हमें हमारे बच्चे से नहीं मिल पाता। और यही रीजन होता है कि हम जो कहते रह जाते हैं कि हम सब कर रहे हैं पर हमारा बच्चा टॉपर नहीं बन रहा। दिस इज द ओनली रीजन कि हम अपने बच्चे को उसका टारगेट अचीव नहीं करा पाते। तो जब आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जहां पर टाइम टाइम पर कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, आपको बच्चा वहां पार्टिसिपेट कर सकता है, प्राइजेस विन कर सकता है, इसका मोरल जो है और ज्यादा बूस्ट होगा।
और आपको घर में रह के जो आपका मैं कह रही हूँ उसका गैजेट का वेस्ट टाइम है, उस टाइम को एक अच्छे टाइम में एज अ टीचर एज अ पेरेंट्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो चीज ये मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी है कि आपको बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो टॉपर बने, उसकी दिनचर्या को ऐसा नहीं है एक रिमोट की तरह आप सेट कर दे, और ये चीजें बहुत बिगिनिंग से आपको शुरू करनी होती है। आपका बच्चा कितना भी छोटा हो, मैं कहती हूँ उसके लिए हॉबी क्लासेस, उसके इंटरेस्ट की क्लासेस कराना, जहां उसे खुशी मिलती हो, जहां उसे पॉजिटिविटी मिलती हो, जहां उसका जो ब्रेन है एक पॉजिटिव हार्मोन जनरेट करता हो, तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग स्पीड जो है, चीजों को सीखने समझने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ जाएगी। भाई हमारे इंडिया में ऐसे लाखों मतलब मैं कहूंगी शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जो खूब पढ़े लिखे हैं, जिनके पास खूब सारी डिग्रियां हैं, बट ऑन ग्राउंड ना उनके पास नौकरी होती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और किसी फील्ड में कुछ नहीं करते। रीजन बीइंग क्योंकि हाथों में कलाएं नहीं है, उन्होंने अपनी हॉबीज अपने इंटरेस्ट को टाइम ही नहीं दिया कि चलिए अगर किताबी ज्ञान से हटके उन्हें कुछ कमाने का जरिया नहीं मिलता तो शायद वो यहां से कमा लेते। तो यहां हमारा जो समाज है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में चीजों से पीछे हट जाता है और कहीं ना कहीं हॉबीज को दरकिनार करके साइड करके सोचता है सिर्फ किताबी ज्ञान से ही लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। तो बच्चे की इन हॉबीज को आप दबाइए मत, टाइम टाइम पर मेंटर्स यहाँ पे लाइव क्लासेस, बच्चों के डाउट जो भी होते हैं उन चीजों को क्लियर किया जाता है। तो ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, समय समय पर मैं आप लोगों के साथ ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म शेयर करती रहती हूँ। तो और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके फ्री में अपने बच्चों को क्लासेस देना शुरू कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसको आप रिव्यू करके इसको समझ के मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि ये एप्लीकेशन आप लोगों को कैसा लगा है, कितना बेनिफिशियल रहा है, उस तरीके के जो एप्लीकेशंस और सुझाव मैं आप लोगों को लेके आती हूँ डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आते हैं, तभी आप इतना प्यार जो है इस चीज में शो करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद जय भारत दोस्तों।